नमस्कार। अभय के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन काल में हमेशा निडर रहे हैं। वो कभी किसी से भयभीत नहीं हुए और हमेशा निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। उन्हीं नामों में से एक नाम जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। धन्यवाद। देश की बागडोर असल मायने में अफसरों के हाथ में होती है। यदि नौकरशाही दुरुस्त हो तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का दीमक नौकरशाही को खोखला किए जा रहा है, लोगों का उससे विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ही देश सेवा में समर्पित कर दिया। आपको सुनाते हैं देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी की कहानी, जिन्हें सब लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं, जिनके नाम पर आज भी क्रिमिनल थर्राते हैं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश पेशावरिया और माता का नाम प्रेमलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल अमृतसर में हुई। वो इंग्लिश में बीए ऑनर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस में एमए है। आईआईटी दिल्ली से उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। किरण बेदी को टेनिस खेलने का शौक था। टेनिस खेलते हुए उन्होंने कई खिताब जीते। वे ऑल एशियन टेनिस चैंपियनशिप और एशियन लेडीज टाइटल की विजेता भी रह चुकी हैं। जुलाई 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने के साथ ही उन्हें देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी होने का गौरव हासिल हुआ। बतौर पुलिस ऑफिसर किरण बेदी अपने काम की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही। उन्होंने नशीले पदार्थों के नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और वीआईपी सुरक्षा जैसे प्रमुख काम किए। 1977 में उन्होंने इंडिया गेट दिल्ली पर अकाली और निरंकारियों के बीच उठ खड़े हुए सिख उपद्रव को जिस तरीके से नियंत्रित किया वह पुलिस विभाग के रिकॉर्ड में एक मिसाल है। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी काम से विदेश गई हुई थी। उनकी कार मरम्मत के लिए गैराज लाई गई थी और सड़क पर गलत साइड में खड़ी की गई। उन दिनों किरण बेदी गलत जगहों पर खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठवा लिया करती थी। जुर्माना अदा करके ही वो गाड़ियां वापस मिलती थी। इंदिरा जी की कार को भी किरण बेदी ने उठवा लिया था। इसके बाद से ही उन्हें क्रेन बेदी कहा जाने लगा। किरण बेदी का 1993 का कार्यकाल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। वह आईजी प्रिजंस के रूप में जेलों की अधिकारी बनी। उन्होंने इस दौरान देश की एक बहुत बड़ी जेल तिहाड़ को आदर्श बनाने का फैसला किया। इस दौर में उन्होंने अपराधियों का मानवीयकरण शुरू करने के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि वह जेल को आश्रम में बदल देगी। किरण बेदी ने वहां योग, ध्यान, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था की। इस जेल के करीब 10,000 कैदियों में अधिकतर कैदी तो ऐसे थे जिन पर कोई आरोप भी नहीं लगा था और वो बरसों से बंद थे। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक विकास पर भी किरण बेदी ने ध्यान दिया। कैदियों ने जेल के भीतर से परीक्षाएं दी और अपनी योग्यता बढ़ाई। जेल में कविता तथा मुशायरे के जरिए कैदियों को एक नयापन दिया गया। किरण को उनके इस काम के लिए बहुत सराहना मिली। जहां उनके इस प्रयत्न के लिए उन्हें 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। किरण बेदी ऐसी पहली महिला थी जिसे सन 2003 में यूनाइटेड नेशन ने नागरिक पुलिस सलाहकार हेतु नियुक्त किया। किरण बेदी के जीवन पर एक फीचर फिल्म यस मैडम सर बन चुकी है। इसे ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता
मैगन जॉनेमन ने प्रोड्यूस किया है। अभी किरण बेदी ने पुलिस विभाग के इंडियन ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपिंग विभाग की पुलिस एडवाइजर भी है। किरण बेदी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।